इस प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बुरी तरह से चरमराई गई। 2000 में जयपुर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, मैं उस वक्त गुजरात का गृह मंत्री था, वसुंधरा जी यहां थी, सबको पकड़ा। इनके एडवोकेट जनरल को फुर्सत ही नहीं है पैरवी करने के, और सारे से सारे लोग छूट गए। 50 लोगों को मारने वाले दहशतगर्द आतंकवादी आज निर्दोष छूट गए हैं और इनको शर्म नहीं आती। और मुझे कहते हैं कि क्या किया कन्हैया लाल ने, अरे तुम्हें आपको पहले शर्म आनी चाहिए। माताओं भाइयों बहनों बताओ, कन्हैया लाल को सुरक्षा किसने नहीं दी? जोर से बोलो, किसने नहीं दी? जोर से बोलो, किसने नहीं दी? मर गया तब तक किसकी पुलिस चुप रही? अरे आप तो पकड़ना भी नहीं चाहते थे, एनआईए ने पकड़ा। और झूठ मत बोलो गहलोत जी, चार्जशीट नहीं हुई है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, 22 दिसंबर 2022 को चार्जशीट हो चुका है। स्पेशल कोर्ट बनाने का काम आपका है, जिससे जल्द सजा दी जाए। राजस्थान सरकार हाई कोर्ट को भरोसे में लेकर स्पेशल कोर्ट नहीं बनाती है, न तो आज तक कन्हैया लाल के दोषियों को फांसी पर लटका चुके होते। मित्रों लटका चुके, इनको शर्म आनी चाहिए।